एग्जिट पोल का? देखिए राजीव जी, आपने कई सारे सवाल उठा दिए हैं अपने विश्लेषण में। आपने पत्रकारों की विश्वसनीयता की बात की, मुझे लगता है कि वो तो आप रसातल तक जा चुके हैं। पत्रकारों की, खास करके जो जिनको गोदी मीडिया कहा जाने लगा है, वो अब पत्रकार नहीं बचे हैं, ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। वो एक तरह से एक दुकान पर वो भाड़े के आदमी में तब्दील हो गए। दूसरा जो इशू है वो है कि क्या इसका राजनीतिकरण हुआ है, तो डेफिनेटली अब ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो एक राजनीतिक एजेंडे का ही हिस्सा है। और तीसरी बात, मैं राहुल गांधी के उस वाक्य से शुरू करूंगा जो बड़ा चर्चित हुआ। उन्होंने कहा राजस्थान में कि जेब कतरा अकेले नहीं आता है, तीन आते हैं। पहले उन्होंने कहा दो आते हैं, और जो एक जेब कतरा होता है वो क्या करता है, वो ध्यान भटकाता है, उस सवाई में है, और वहां पे नारेबाजी हो रही है हफ्ते की बार 400 पार, हर हर मोदी, आएगा तो मोदी ही, ये वहां चल रहा है। और यहां जो एग्जिट पोल आया है राजीव जी, वो मध्य प्रदेश में एक बड़ी विक्ट्री दिखा रहा है बीजेपी। बात नहीं करूंगा, आप जरा राजस्थान और मध्य प्रदेश पर देखिए और तीन चैनल का देखिए, इंडिया टुडे, न्यूज 24, चाणक्य और इंडिया टीवी, इन तीन चैनल का एग्जिट पोल एक रुझान का है, राजस्थान का भी और मध्य प्रदेश का भी। यहीं से वो डाउट शुरू होता है कि ये खेल किया जा रहा है, आंखों में धूल झोंक करके मध्य प्रदेश एग्जिट पोल से बीजेपी जीतना चाहती है। राजीव जी, मैं जो बात कह रहा हूं इस पर जरा गौर कीजिएगा, एग्जिट पोल के जरिए मध्य प्रदेश को बीजेपी हासिल करना चाहती है। ये गलती नहीं है, गलती मनुष्य से होती है, लेकिन जो जानबूझ करके खेल करता है वो धूर्तता होती है। ये धूर्तता की गई है और इसलिए वो वीडियो भी जारी हुआ है। आप मध्य प्रदेश में ये तीनों चैनल का एवरेज 150 है, माने एक बड़ी विक्ट्री बीजेपी की। और मैं बीजेपी पर मध्य प्रदेश में सवाल इसलिए खड़े कर रहा हूं कि इन पांचों राज्यों को जरा देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना में बीआरएस की सरकार, मिजोरम में एमएनएफ की सरकार, केवल एक मध्य प्रदेश है जहां पर बीजेपी की सरकार है, सारी ब्यूरोक्रेसी उनके पास है। और अगर आपको चुनाव के दिन का वो दक्षिणी ग्वालियर का वो अगर संवाद आपको याद हो कि वहां के जो विधायक है वो कलेक्टर से झगड़ रहे कि आपने एक लंबी कतार लगा रखी है और इतनी स्लो वोटिंग है कि वहां जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो अगर वोट करेंगे तो रात का 12 बजेगा, तो आप वोट डालने ही नहीं दे रहे। ये खेल और ये तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी। और अब कांग्रेसियों का जो अभी मतपेटियों की रक्षा करने में लगे हैं, उनका मोरल तोड़ देना और ये नैरेटिव सेट कर देना कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, मुझे बड़ी आशंका है कि असली खेल यही किया जा रहा है। क्योंकि अगर पांचों राज्यों में बीजेपी चली गई तो वो जो मोदी मैजिक, मोदी गुब्बारा जो फुलाया गया है, वो बिल्कुल कहीं का भी नहीं बचेगा। इसलिए कुछ तो इज्जत बचानी है। और वहीं अमित शाह की भूमिका शुरू होती है कि अगर नजदीकी मामला हो, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लंबी लीड लेकर के वहां पर जीत के कगार पर है, लेकिन कुछ खेल ऐसा हो सकता है कि जहां बहुत नजदीक लाया जाए और ये दिखाया जाए। देखिए इंडिया टुडे से और इंडिया टीवी से थोड़ा सा चूक हुई, लेकिन बीजेपी की लहर थी, बीजेपी जीत रही थी, तो वहां पहुंचा दिया जाए जहां से चाणक्य खेल कर जाए, माने अमित शाह खेल कर जाए और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बनाया जाए। ये असली खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में, और इसलिए बिल्कुल आपका डाउट दुरुस्त है कि यहां पर पूरा मीडिया के जरिए, एजेंसी के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए, प्रशासनिक मशीनरी के जरिए, और जो गए हैं वहां दुबई, वो जो अब वहां हैं, यहां नहीं पता किसी को, अरे सब मोदी जी तो बाहर हैं, और यहां असली खेल चल रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस के लोग मुस्तैद, बालाघाट में क्या हुआ,
वहां जो पोस्टल बैलेट था वो पहले क्यों उसकी काउंटिंग हो रही थी, उसमें एक एसडीएम एक तहसीलदार सस्पेंड हुआ, तो ये खेल तो चल ही रहा है वहां पे। और ये वहां पे चूंकि आप कर सकते हैं, प्रशासनिक मशीनरी आपके अंदर में है, तो ये असल में खेल चल रहा है राजीव जी। इसलिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी को और जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह का लोगों के मत की चोरी नहीं होनी चाहिए, लोगों के मैंडेट को, हालांकि मध्य प्रदेश में एक बार हो चुका है, ये नहीं होना चाहिए, वरना लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। लोग केवल ये नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा है, अगर लोगों का जो सबसे कीमती चीज है वो है उनका मत, अगर उसकी चोरी हो गई, उसकी बेईमानी हो गई, तो फिर क्या होगा अंबेडकर नेहरू और गांधी के सपनों का? ये सबसे बड़ा सवाल है राजीव जी आज की तारीख में। तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है आज की करवाया जाता है, इससे राजनीतिक दलों को क्या फायदा है, जरा आपका विश्लेषण। देखिए, इसके पहले राजनीतिक दलों ने इस तरह का इतना बड़ा खेल तो नहीं किया होगा, इसमें कोई तो नहीं कि चुनाव में ये सब चीजें होती रही हैं, जब पोस्टल बैलेट था तब भी होता, जब वो तब भी होता रहा, ईवीएम में भी थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पर। ये जो आया है वो मैंने आपको कहा ना कि तीन चैनल का सर्वे लगभग एक ही तरह का, वही राजस्थान में भी है, तो ये पूरे तरीके से आंखों में धूल झोंकना और फिर खेल कर लेना। कमलनाथ जी का जो ये वीडियो आया है, मुझे लगता है कि वो इस खेल को समझ गए और उन्होंने वो मैसेज दिया कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहीं मनोबल ना टूट जाए। और कई बार ये होता है, जब काउंटिंग होती है 12-2 बजे तक, जब स्लो काउंटिंग कराई जाती है, ये भी हम लोगों ने पिछले दिनों देखा, तो जो बहुत कम मार्जिन से सीटों में जीत हार का अंतर होता है वहां खेल कर लिया जाता है। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने देखा कि करीब 10-12 सीटों पर खेल बड़े आसानी से कर लिया गया, जहां सपा जीत सकती थी वहां सपा का तो वो प्रतिनिधि ही नहीं रहा, क्योंकि जो देख रहा था वो टेलीविजन पे जो उसकी खबरें मिल रही थी कि बीजेपी चुनाव निकाल ले गई है, उसके बाद अपना फट्टा वट्टा छोड़ करके वो निकल आया। तो इस तरीके से ये गेम होता है, बीजेपी इसमें माहिर है क्योंकि वहां चाणक्य मौजूद हैं और जितना प्रेशर वो डाल सकते हैं ब्यूरोक्रेसी पर, उनके पास बहुत एक चुनी हुई लॉयल ब्यूरोक्रेसी है जो किसी भी हद तक चले जाए। लेकिन अब इसमें कांग्रेस कितनी मुस्तैद है, ऑब्वियस है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहले से जनाधार है, संगठन भी है, और इस समय वो लोग चाहिए जो पूरे मुस्तैदी से खड़े रहे, किसी भी कीमत पर वो डिगे नहीं, ना उनका मोरल टूटे। और कमलनाथ जी ने जो मैसेज दिया कि हम सरकार बनाने जा रहे, तो इसका मतलब है कि कार्यकर्ता सरकार बनाने के लिए डटे रहे, पहले से विड्रॉ ना कर दे, ये ना मान ले कि नहीं साहब एग्जिट पोल में ही दिखाया गया, और वैसे भी एग्जिट पोल हमेशा दुरुस्त नहीं होते। लेकिन ये जो खेल है इसको मैंने तब बारीकी से समझा जब मैंने पूरी स्टडी की इन सब की, हर राज्य का कि कहां क्या क्या खेल हो रहा, और ये घालमेल राजस्थान में भी किया गया, राजस्थान में दूसरे ढंग से। मैं समझता हूं कि राजस्थान में बहुत नजदीकी फाइट है और ये तीनों ही चैनल कांग्रेस को वहां जीत दिखा रहे। मैं समझता हूं कि इस तरह से जीत नहीं है, जो मेरा अपना आकलन है, बहुत नजदीकी फाइट है राजस्थान में, लेकिन वहां ये दिखा देना और एमपी में खेल कर लेना, असली खेल ये चल रहा है। राजस्थान में जो होगा सो होगा, वो तो वहां क्लियर कट है, लेकिन असली खेल मध्य प्रदेश में कर लेना और मोदी जी का किसी तरीके से इज्जत बचा लेना, इसके लिए सारा खेल चल रहा। और अगर 2-3 जगह इनका जीत हो रही होती तो मोदी जी दुबई नहीं होते, वो जो 5 सितारा उनका ऑफिस है वहां गुलाब की पंखुड़ियां अभी तक पहुंच गई होती 3 तारीख के लिए, मिठाइयां ढोल नगाड़े वो सब कैमरे लग गए होते 100-200 अभी से। अब वो बेचारे दुबई चले गए हैं, वो समझ गए उस बात को, अब यहां जिसको हैंडओवर कर गए हैं, लेकिन पुलिस की भी खुल गई। अब वो सिर्फ मोदी मीडिया ही नहीं है ना, बहुत सारे और चैनल्स हैं, अब लोग इतना बारीकी से देखते हैं कि
मध्य प्रदेश में हर, मुझे लगता है कि 10 में से 8 व्यक्ति, 7 व्यक्ति कह रहे थे कि हम बदलाव चाहते हैं। फिर ये कैसे हो जाएगा? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां कम से कम 10 में से 6 लोग ये ना कह रहे हो कि हमें कांग्रेस को लाना है, या तो वो सब झूठ बोल रहे थे। ये संभावना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब साजिश तो बहुत लंबी रखी गई है, लेकिन वो एक्सपोज हो गई। जितना ज्यादा उन्होंने खेल करने की कोशिश की कि एक वीडियो जारी कर दिया जाए, तो उससे वो यहां लोगों ने पकड़ लिया। अब मोदी जी पर भरोसा नहीं रहा ना लोगों का, वो लोग जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो हर आदमी अलर्ट है, हर आदमी उसका विश्लेषण कर रहा है, उसको स्टडी कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। और मध्य प्रदेश की जनता भी जानती होगी, क्योंकि आगे की लाडली बहना को लेकर के बहुत ज्यादा महिलाओं की लंबी कतारें थी, तो वो कतारें सिर्फ लाडली बहना, यहां भी तो कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी की है उसका भी असर हो सकता है। और वो होगा तो ये जो दिखा रहे हैं ये आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो खेल करने की कोशिश तो हुई थी, लेकिन पकड़े गए और इसलिए वो एक्सपोज हो गए। अब वही नतीजा आएगा जो आना है, अब खेल करने में वो कामयाब नहीं होंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। और रिजल्ट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं है, अब बस आप कल के बाद